वेलकम अगेन इन रिटेल एंड रूरल मैनेजमेंट एंड टूडेज टॉपिक इज रिटेल मार्केट सेगमेंटेशन फर्स्टली विल डिस्कस व्हाट इज सेगमेंटेशन हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट हर कस्टमर की प्रेफरेंसेस हर कस्टमर की नीड एंड मॉन्ट्स डिफरेंट होती है जिसकी वजह से एक पूरा हिट्रोजीनियस मार्केट बन जाता है उस हिट्रोजीनियस मार्केट में हम वेरेबल लेके चलते हैं जैसे जेंडर वेरेबल ले सकते हैं यानी डेमोग्राफिक में जेंडर हो गया इनकम हो गया ऑक्यूपेशन हो गया ऐसे इकनॉमिक में ले सकते हैं इकनॉमिक वेरेबल में भी आ, वेरेबल ले सकते हैं जिसके अकॉर्डिंगली हायर हायर क्लास मिडिल क्लास लोअर क्लास तो डिफ लाइफ स्टाइल ले सकते हैं लाइफ स्टाइल में भी डिफरेंट लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंगली हम वेरेबल से सेगमेंटेशन कर सकते हैं तो जब हम इस वेरेबल को लेते हैं तो छोटे छोटे ग्रुप बन जाते हैं उन ग्रुप को हम सेगमेंट कहते हैं तो मार्केट सेगमेंटेशन गिव्स ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिटेल कस्टमर रिक्वायरमेंट विद द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन द रिटेल मैनेजर एंड मार्केटिंग पर्सनल कैन डेवलप स्ट्रेटजीज टू रीच आउट द कस्टमर्स विद स्पेसिफिक नीड एंड प्रेफरेंसेस जनरली यदि हम सेगमेंटेशन ना करें तो एक हीट्रोजीनियस मार्केट बन जाएगा और हेट्रोजीनियस मार्केट में हरेक को हरेक की नीड एंड वांट्स को सर्व करना एक रिटेलर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा जिसके लिए हम सेगमेंटेशन हमारा करना जरूरी है देन व्हाट इज मार्केट सेगमेंटेशन इट इज़ प्रोसेस बाय विच द कस्टमर्स आर डिवाइडेड इन टू आइडेंटिफिएबल ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर प्रोडक्ट और सर्विस रिक्वायरमेंट मार्केट सेगमेंटेशन इज वेरी यूजफुल फॉर मार्केटिंग फोर्स ऑफ रिटेल ऑर्गेनाइजेशन टू क्रिएट अ कस्टमर मार्केटिंग मिक्स फॉर अ स्पेसिफिक ग्रुप जनरली मैंने पहले भी कहा कि आइडेंटिफिएबल ग्रुप बनाने होते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स को लेके और ये एक छोटे छोटे सेगमेंट बन जाते छोटे छोटे ग्रुप बन जाते हैं जिनको कि हम सेगमेंटेशन बोलते हैं मार्केट सेगमेंटेशन कैन बी आल्सो बी कंडक्टेड बेस्ड ऑन कस्टमर जेंडर is religion nationality culture profession and preferences then type of retail markets there are two types of retail market that is organized retail and unorganized retail first one organized retailing is large retail chain of shops with up to date technology accounting transparency, supply chain management and distribution system and these are managed by professionals. These retail chains, organized retail chains are managed by professionals. And in or, in or, unorganized retailing, unorganized retailing is nothing but a small retail business conducted by an owner or caretaker of the shop with no technological accounting aids. जैसे कि हम बात करें पचोरन की दुकान की बात करें दैट इज मैनेज बाई देर ओन ओनर और देर रिलेटिवस और देयर केयर टेकर्स या हम पान की दुकान की बात करें तो ये भी क्या है एक ही आदमी संभाल रहा है इसमें कोई टेक्नोलॉजिकल और अकाउंटिंग एड्स नहीं है कोई प्रोफेशनल नहीं है प्रोफेशनल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है नाउ स्ट्रेटजीज फॉर इफेक्टिव मार्केट सेगमेंटेशन द फॉर एफेक्टिव मार्केट सेगमेंटेशन द फॉलोइंग टू स्ट्रेटीज आर यूज बाई द मार्केटिंग फोर्स ऑफ द ऑर्गनाइजेशन फर्स्ट वन कंसनट्रेशन ऑन नेचर स्ट्रटजीज अंडर दिस स्ट्रटी एंड ऑर्गनाइजेशन फोकस गोइंग आफ्टर लॉन्ग आफ्टर लार्ज शेयर ऑफ ऑनली वन और वेरी फ्यू सेगमेंट एक पर्टिकुलर सेगमेंट को ही सर्व करता है दैट इज कंसनट्रेट हो जाता है उसी के ऊपर जैसे कि हम बात करें दूल्हा घर की बात करें जहाँ की शादी के लिए आपको दूल्हे के सभी सामान मिल जाते हैं या हम स्पेशलिटी स्टोर की बात करें किड्स फेयर की बात करें जहाँ केवल किड्स के ही सामान मिलते हैं दिस स्ट्रेटजी प्रोवाइड टू डिफरेंशियल एडवांटेज ओवर कॉम्पिटिंग ऑर्गेनाइजेशनल विच आर नॉट सोलली कंसनट्रेटिंग ऑन वन सेगमेंट फॉर एग्जाम्पल टोयटा एम्प्लॉयीज़ एम्प्लॉयज दिस स्टी फॉर ऑफरिंग वेरियस मॉडल अंडर हाइब्रिड वेकल मार्केट सेकेंड है मल्टी सेगमेंट स्ट्रेटजी यदि हम एक से ज़्यादा सेगमेंट को सर्व करें तो वहाँ पे हम मल्टी सेगमेंट स्ट्रेटजी बोलते हैं अंडर दिस स्ट्रेटजी एंड ऑर्गेनाइजेशन फोकस इट्स मार्केटिंग एफर्ट्स ऑन टू और मोर डिस्टिंक्ट मार्केट सेगमेंट दो और दो से अधिक हम यदि मार्केट सेगमेंट को सर्व करें तो दैट इज कॉल्ड मल्टी सेगमेंट स्ट्रेटजी फॉर एग्जाम्पल जॉनसन एंड जॉनसन ऑफर्स हेल्थ केयर प्रोडक्ट इन रेंज ऑफ बेबी केयर स्किन केयर न्यूट्रिशन एंड विजन केयर प्रोडक्ट सेगमेंट फॉर कस्टमर्स फॉर ऑल एजेस नाउ व्हाट इज टारगेट मार्केट यदि हम डिफरेंट सेगमेंट डिवाइड कर लेते हैं तो हम ये देखते हैं कौन सा सेगमेंट ज़्यादा पोटेंशियल है कौन सा आइडेंटिफिएबल है कौन सा लार्ज ग्रुप है कौन सा हमें प्रॉफिट ज़्यादा देगा जिसमें अपॉर्चुनिटीज हमें ज़्यादा मिल रही तो उस पर्टिकुलर सेगमेंट को हम टारगेट करते हैं तो आफ्टर डिटर्बनिंग मार्केट सेगमेंट डिसाइड प्रोडक्ट ऑफर फॉर ई सेगमेंट कंज्यूमर सेगमेंट वी डिसाइड टू कैटर ऑन इट्स ओन नोन एज टारगेट मार्केट एंड लुक एट मीटिंग नीड्स ऑफ सेगमेंट साइज एंड फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द सेगमेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट वुड बी रिक्वायर्ड एंड काइंड ऑफ प्रॉफिट कुड बी और मैंने पहले भी बताया कि आपको ये देखना है कि कौन से पर्टिकुलर सेगमेंट में आपका ग्रोथ दिखाई दे रहा है किस में पोटेंशियल दिखाई दे रहा है कौन सा लार्ज है कौन सा आइडेंटिफिएबल है किस में आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है उसी पर्टिकुलर सेगमेंट को हम टारगेट करते हैं एंड लास्ट वन पोजिशनिंग नॉ टारगेट मार्केट आई डिफाइंड सो द पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म नीड टू बी क्रिएटेड पोजिशनिंग होता है कि कस्टमर के मार्केट में आप उसके माइंड में एक पर्टिकुलर सेल को ऑक्युपाइड करना पोजिशनिंग स्टार्ट विथ प्रोडक्ट और पीस ऑफ मर्चेंडाइज और सर्विस ए कंपनी और ए पर्सन हम पोजिशिंग क्रिएट कर सकते हैं थ्रू एडवर्टीजमेंट थ्रू साइन जैसे हम नाइकी का साइन देखते हैं राइट right का साइन इंटेल uh, का हम साउंड uh, से देखते हैं साउंड के थ्रू हम पोस्टिंग क्रिएट किए हुए हैं और हम सर्विस के थ्रू या हम किसी पर्सन के थ्रू हम पोस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच